केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सांसद सीपी ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। छपरा जिले के दिघवारा प्रखंड के जय गोविंद उच्च विद्यालय के खेल मैदान में एनडीए की जनसभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सांसद सीपी ठाकुर ने सभा को संबोधित कर दिघवारा की जनता से एनडीए प्रत्याशी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। श्री रूढ़ी ने कहा कि पूरे बिहार में अगर सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वो है छपरा जिले में ही हुआ है। चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी को अगर आप वोट देकर जिता देते हैं तो आपका वोट देश के समग्र विकास में काम आएगा। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। बाल बच्चा का कोई मोह नहीं है, लेकिन हमको मोह हो गया कि हमारा लड़का जा रहा है रूढ़ी जी को इसमें, तो हम उसे नहीं आए। देखो ऐसा मोह तो उनको नहीं होने वाला है, और वो सोचते रहते हैं इतना काम जनता के उत्थान के लिए। अब हम ही लोग उतना याद नहीं आता है कि कितना उत्थान का काम उन्होंने किया, कितना काम किया बहुत। लेकिन क्या है कि हर एक काम जो केंद्र सरकार करती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का साथ पिता के तरफ जमीन नहीं है, फतवा के तरफ जमीन नहीं है, तारापुर के तरफ जमीन नहीं है। आप जैसे ही ये पुल बनाएंगे तो दिघवारा से लेकर सोनपुर के बीच में कम से कम 10 लाख एकड़ जमीन है। नया पटना बनाना है तो यही बनेगा, नया हवाई अड्डा बनाना है तो यही बनेगा, नया बिहार का आपको ढांचा उदयपुर और रायपुर की तरह बनाना है तो यही जमीन है। और सरकार को ये सब लोग जमीन देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा दाम अगर जमीन का कोई देता है तो सरकार देती है। नया पटना अगर बस सकता है तो हमारे पास सारण की धरती प्रवासी वो जमीन बचा है जो हम आपको दे सकते हैं। और जिस दिन नया पटना यहाँ बसेगा, पूरे बिहार का नक्शा जो लाल पटना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते, नया पटना तो हम लोग यही बसाएंगे और अच्छी कीमत पर किसानों का भी ख्याल करेंगे। ये हमारा हमेशा एक प्रयास है। वो देने काम करते हैं और उसके बावजूद भी बिहार में सबसे ज्यादा अभी भी बीमारी है और गरीब जो है बीमारी को झेल नहीं पाता है, बच्चा दूध में रहता है मर जाता है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, पूरे दुनिया में एक तो सस्ता खाना और दुनिया में WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो विरोध कर रहा था, हम दो बार गए विरोध कर रहा था क्यों आप इतना सस्ता दर पर खाना लेते हैं, ये कानून जो है WTO के खिलाफ, ये कानून के खिलाफ है। हमने कहा कि हम तो देंगे। और अब जो बड़ा भारी जो चीज निकला है प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना, मतलब हर गरीब को जो भी गरीब है 10 करोड़ परिवार को, मतलब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया जो है आपके नाम पर जमा है। आप जाकर के लिए है गोल्डन कार्ड बनाइए आधार कार्ड के साथ में, और आपको जो है चाहे कैंसर का बीमारी हो, चाहे क्या कहते हैं कि किडनी का हो, या चाहे हार्ट का हो, या छोटा सा डिलीवरी हो, प्रसव का हो, कोई भी हो, आप जाकर के लिए है जाइए, आपको क्या कहते हैं कि आप लिख करके दे दीजिए कार्ड ले लीजिए। आपका पैसा जिस हॉस्पिटल में कोई जरूरी नहीं है, सरकारी हो गैर सरकारी हो यक्ष हो, जहां जाके आपको इलाज कराना है कराइए, पैसा वहां मिल जाएगा। फिर दूसरे साल में फिर 5 लाख रुपया जो है। पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए तो आज ही संपर्क करें।